करता हूँ। अहमद, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। Sure. बात तो असल में मुझे पहले करनी थी, मगर हॉस्पिटल की भागदौड़ में मुझे याद ही नहीं रहा। ये महा का और ईमान के भाई का आखिर आपस में क्या क्लैश है, जबकि दानियाल ने तो तुम्हारी हेल्प की थी, मगर महा उसे हॉस्पिटल में देख के आपे से बाहर हो गई। इतना ओवर रिएक्ट किया उसने वहां पे, उसने तो एक सीन क्रिएट कर लिया था, जबकि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। नंद और भावच का चलो आपस में कोई इश्यू होगा, लेकिन दानियाल का क्या झगड़ा है? और दूसरी बात ये कि ईमान क्यों अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ बातें बताती रहती है? क्योंकि ईमान ये चाहती नहीं है कि माँ मुझसे शादी करे। अच्छा, वो तो तुम्हारी क्लास फेलो है ना, फिर क्यों वो माँ और तुम्हारे दरमियान इशू क्रिएट कर रही है? इशू दानियाल है। एक्चुअली दानियाल माँ में इंटरेस्टेड था, माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब अपने भाई की रिजेक्शन का बदला ईमान माँ से ले रही है। अच्छा, जबकि मुझे पर्सनली ईमान से कोई इशू नहीं है। खैर, मेरे लिए तो वो आज भी वही ईमान है। चलो, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ, जाके सो जाओ। आप भी सो जाओ।